are six persons arranged in a row. Another person has to shake hands with three of them so that no handshake with two consecutive person. that means he should not shake hands with two consecutive persons. In how many distinct possible combination can the handshakes take place? it is a typical question from the topic permutation and combination. और ये स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है या सेलेक्शन के बारे में बात कर रहा है सी हाउ right, मैं इनको जरा नंबर कर लेता हूं एज वन टू सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अच्छा एक इंसान है हु इज एन आउटसाइडर अनदर पर्सन दैट मीन्स ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सिक्स और वो आके इनसे हैंडशेक कर रहा है हैंड शेक कर रहा है और कितने लोगों के साथ एट अ टाइम हैंड चेक करेगा थ्री सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर वो वन के साथ हैंडचेक कर रहा है इफ द अदर आउटसाइडर इज शेकिंग हैंड्स विद वन क्या वो उस केस में टू के साथ हैंडचेक कर सकता है बिल्कुल नहीं बट क्या वो उसी केस में थ्री के साथ हैंड चेक कर सकता है यस yes. और अगर वो थ्री के साथ हैंड चेक कर रहा है तो फोर के साथ बिल्कुल नहीं ही कैन शेक हैंड्स विथ फाइव सो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वन ही शेक्स हैंड विथ वन थ्री एंड फाइव ओके लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस अगर वो वन के साथ हैंड चेक कर रहा है तो वो थ्री के साथ हैंड चेक कर सकता है और अब वो कॉन्जिक्यूटिवली फोर को इग्नोर करेगा और फाइव के साथ ऑलरेडी हो चुका है तो एक नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो सिक्स के साथ हैंड चेक कर सकता है थ्री पर्सन क्वेश्चन जरा एक बार आप रिपीट करते चलोगे अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विद्री ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन हर बार वो क्लिक कर रहा है ओके लेट्स टॉक अबाउट कैन वी हैव एनी अदर अरेंजमेंट और एनी अदर कॉम्बिनेशन रादर नॉट अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन चलो मैं वन से ही स्टार्ट करता हूँ यार वन अब वन और थ्री वाले सारे केसेस एग्जॉस्ट हो गए हैं तो अगर मैं इसको वन के बाद फोर पे चले जाऊं आप मुझे बताना वन के बाद आप फोर पे जा रहे हो तो फोर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइव इग्नोर होगा बट सिक्स के साथ जरूर हैंडशेक कर सकता है कुछ इस तरीके से नेक्स्ट अगर मैं टू से स्टार्ट करूं, अगर मैं टू से स्टार्ट करता हूं तो देखो यार वन को इग्नोर करना होगा थ्री को इग्नोर करना होगा

अब थ्री के साथ आप या तो फाइव पिक कर सकते हो या फिर सिक्स पिक कर सकते हो और वन पिक कर सकते हो वन थ्री फाइव वन थ्री सिक्स ऑलरेडी पिक्ड। सो दीज आर द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन वेरिन अनदर पर्सन कैन शेक हैंड्स विथ थ्री ऑफ द सिक्स पर्सनस वेरिन ही इज नॉट शेकिंग हैंड्स विथ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है